दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह हम एक्सेल में अपनी मल्टीपल शीट्स के लिए एक ही पीवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी सभी शीट्स में डेटा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमने एमएस एक्सेल के कंप्लीट कोर्स का प्राइस कम कर दिया है। अगर अभी आप इस कोर्स को बाय करते हैं तो ये कोर्स आपको 499 में मिल जाएगा। इस कोर्स की मदद से आप बेसिक और एडवांस एक्सेल अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, अपनी मल्टीपल एक्सेल सीट के लिए एक ही पीवट टेबल बनाने और उनमें डेटा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पर ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल ये ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में पता है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने दो सीट बनाई है। सीट वन में हमारा ये डेटा है, सीट टू में हमारा ये डेटा है। तो अगर इन दोनों सीट के लिए हमें एक ही पीवट टेबल बनानी है तो इसके लिए हमें इन दोनों शीट को पहले तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना है अपने डेटा में, कहीं पर भी क्लिक करिए। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी ये टेबल होगी ये सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी अगर ये टेबल की रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होती तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी टेबल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका माई टेबल हैज़ हेडर्स पर टिक लगा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसमें हमने हेडिंग्स मेंशन की हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी शीट वन है ये एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ से इसका टेबल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम शीट टू में आते हैं और इस डेटा को भी हम एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी शीट टू में डेटा होगा ये भी एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इस टेबल को कोई नाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है डिज़ाइन वाले टैब में। इसके बाद आपको यहाँ पर टेबल नेम का बॉक्स मिल जाता है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अपनी इस टेबल को कोई नाम दे सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप सीट वन में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन का टैब मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर भी अपनी टेबल को कोई नाम दे सकते हैं। बाकी मैं इसे रीनेम नहीं करने वाला, हम इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी पीवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो पीवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पीवट टेबल फंक्शन मिल जाता है तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी टेबल रेंज है ये सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको टेबल वन दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लास्ट का ऑप्शन है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इस पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक्टिव टैब मिल जाता है। एक्टिव टैब में आपको टेबल वन दिखाई देगा। टेबल वन हमारा शीट वन के लिए था और शीट वन में ही हमने अपना पीवट टेबल क्रिएट किया था, इसलिए ये हमारा एक्टिव टैब में दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सेल सीट होंगी वो सभी आ जाएंगी। जैसे कि शीट वन के लिए हमने टेबल वन इसको नाम दिया था, शीट टू के लिए हमने टेबल टू नाम दिया था। अब अगर आपको टेबल वन के लिए पीवट टेबल बनानी है तो आप एक्टिव टैब में जाएंगे, यहाँ पर आपको टेबल वन दिखाई देगी। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे कि हम पार्टी नेम ले लेते हैं, इसके बाद अमाउंट ले लेते हैं। तो ये जो हमारा पार्टी का नाम है और जो अमाउंट है ये यहाँ पर आ चुका है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसके बाद हम अपनी पीवट टेबल में बॉर्डर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके हमने ये बॉर्डर सेट कर दिया। अब मान लीजिए आपको यहाँ टेबल वन में काम नहीं करना, आपको टेबल टू में काम करना है। तो यहाँ पर जो टेबल वन की फील्ड्स हैं इसे हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम ऑल टैब में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें टेबल टू दिखाई देगा। हम यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर शो इन एक्टिव टैब का ऑप्शन मिल जाता है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे।
इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक्टिव टैब में आपकी जो दूसरी टेबल होगी वो भी आपको दिखाई देगी। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर आइटम नेम लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी टेबल टू की प्योर टेबल बन के आ गई है। अब मान लीजिए हमें अपनी दोनों एक्सेल सीट के लिए एक ही प्योर टेबल बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर शीट टू के लिए हमने प्योर टेबल बना ली है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर टेबल वन मतलब हमारा शीट वन की जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर शीट वन से या टेबल वन से अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ अमाउंट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है ये तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही अमाउंट सभी सेल में दिखाई दे रहा है। इन सभी सेल में एक ही वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी शीट वन है और जो हमारी शीट टू है इन दोनों के बीच में हमने कनेक्शन बिल्ड नहीं किया, तो यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपकी शीट वन में और शीट टू में कोई एक डेटा सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम शीट वन में आएंगे तो यहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी मेंशन की है, और अगर हम शीट टू में आएंगे तो जो हमने शीट वन में ऑर्डर आईडी मेंशन की थी वही ऑर्डर आईडी हमने शीट टू में भी मेंशन की है। इसके बाद हम इन दोनों शीट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं, तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको आना है शीट थ्री में, यहाँ पर हमारी प्योर टेबल है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस साइड एक ऑप्शन मिलेगा रिलेशन बिटवीन टेबल्स मे बी नीडेड, तो आप चाहें तो ऑटो डिडक्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये ऑप्शन काम करता है लेकिन कई बार काम नहीं करता, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी टेबल सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके अपनी टेबल वन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी शीट वन और शीट टू में ऑर्डर आईडी सेम थी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम रिलेटेड टेबल में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी टेबल टू सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि जो हमारी दोनों शीट हैं उनमें ऑर्डर आईडी सेम है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो एक्यूरेट डेटा है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर टेबल टू से हमारा आइटम और क्वांटिटी आ गया और टेबल वन से हमारा अमाउंट आ गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर टेबल वन से जीएसटी अमाउंट भी लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर जीएसटी पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर टेबल वन से जीएसटी अमाउंट फेच आउट होके आ जाएगा। एक्टिव टैब में आप सिर्फ उन्हीं टेबल्स को रखें जिनकी आपको प्योर टेबल बनानी है या जिनकी आपको ज़रूरत है। जिन टेबल्स की आपको ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पर उन सभी टेबल्स को रिमूव कर सकते हैं। किसी भी टेबल को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है रिमूव फ्रॉम एक्टिव टैब। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो टेबल वन होगी वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ ऑल वाले सेक्शन में आपकी जितनी भी टेबल होंगी वो सभी दिखाई देंगी। बाकी जब भी आपको टेबल वन की ज़रूरत पड़े या अन्य किसी टेबल की ज़रूरत पड़े तो आपको यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है, इसके बाद आपको यहाँ शो इन एक्टिव टैब पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप एक्टिव टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो टेबल वन है ये वापस आ जाएगी। इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।